हाय यूट्यूब फैमिली, आज हम गर्मियों की सबसे कंफर्टिंग चीज़ बना रहे हैं, रबड़ी कुल्फ़ी। वो भी झटपट, सिर्फ दो सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, दो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर्स में, केसर पिस्ता और मैंगो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। यहाँ पे मैंने बर्फ़ी ली है, आप कोई भी बर्फ़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल मलाई बर्फ़ी या आप मावे की जो बर्फ़ी होती है, सिंपल वाइट वाली मावे की बर्फ़ी ले लीजिए, वो मैंने 1/2 kg ली है। और हम यहाँ पे 2 फ्लेवर्स के बना रहे हैं, उसके लिए मैंने लिया है मैंगो पल्प, 2 मैंगोज़ का पल्प लिया है मैंने। दूसरी वैरायटी हम बना रहे हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी, उसके लिए मैंने थोड़ा से केसर को मिक्स किया है कोल्ड मिल्क में, और थोड़ी सी पिस्ते की शेविंग्स ले रहे हैं या पिस्ता फ्लेक्स, और थोड़े से आलमंड फ्लेक्स। सबसे पहले मैं 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ एक कढ़ाई में। मैं इसको रिड्यूस करूँगी, अच्छे से हम इसको रिड्यूस करेंगे स्लो फ्लेम पे। इसको हमें गैस को तेज़ नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे। अब 10 मिनट बाद देखिए ये रिड्यूस होना चालू हो गया है, अच्छे से बबल कर रहा है और इसमें मलाई भी आनी शुरू हो गई है। 30 मिनट स्लो फ्लेम पे रखने के बाद ये और अच्छे से रिड्यूस हो रहा है और इसकी मलाई और गाढ़ी होती जा रही है। आफ्टर 45 मिनट्स आप देखिए मिल्क की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, थोड़ा इसका कलर भी डार्क येलो हो गया है और बहुत अच्छी मलाई आ गई है इसमें। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगी और इसको कूल होने दूंगी कम्प्लीटली फॉर 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स आप देखिए इस पर एक अच्छी सी मोटी सी लेयर मलाई की आ गई है, दूध भी हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल कूल होने के बाद मैं इसमें बर्फ़ी डालूंगी। सारी बर्फ़ी को मैंने अच्छे से हाथ से मैश कर लिया है, आप यहाँ लेफ़्ट ओवर बर्फ़ी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में बर्फ़ी आई हो या आप लाए हो तो आप ये लेफ़्ट ओवर बर्फ़ी भी ले सकते हैं। हमारा प्रपोर्शन यहाँ पे 1 लीटर मिल्क में 1/2 kg बर्फ़ी में डाल रही हूँ और इसको मैं बैक ऑफ द स्पून से अच्छी तरह मैश करके और मिक्स कर लूँगी। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना हो और हमारा एक बहुत ही स्मूथ मिक्सचर बनेगा मिल्क और बर्फ़ी का। इससे हमारा बहुत ही यम्मी टेस्टी मलाईदार रबड़ी कुल्फ़ी का बेस रेडी हो जाएगा। हमारा बेस रेडी हो गया है, अब मैं यहाँ पे पल्प ऑफ 2 मैंगोज लिया है, उसको मैं मिक्सी में डाल के अच्छी तरह चर्न कर लूँगी और इसका पल्प रेडी कर लूँगी। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है, हमारा पल्प एकदम रेडी है। अब ये हमारी जो बर्फी और दूध का मिक्स है, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 2 बोल्स में। एक में हम डालेंगे हमारा प्रिपेयर्ड मैंगो पल्प, इसमें हमें एक्स्ट्रा स्वीटनेस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बर्फ़ी की स्वीटनेस इनफ हो जाएगी और यहाँ पे मैंगो की भी स्वीटनेस अच्छी आएगी, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा स्वीट कुछ भी नहीं डालना। दूसरे पार्ट में मैं अपना केसर वाला दूध डाल रही हूँ, देखिए कितना टेम्पटिंग और यमी इसका कलर आया है। अब मैं इसमें बादाम के फ्लेक्स और पिस्ता के फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये मैं बादाम पिस्ता वाली रबड़ी कुल्फ़ी बना रही हूँ। अब हमारे दोनों बेस एकदम रेडी हो गए हैं। सबसे पहले एक मोल्ड में मैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी को पोर कर रही हूँ और सारे मोल्ड्स हम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे। मैं इनको एक ग्लास में रख के फ्रीज़र में रखूँगी, इससे ये टिल्ट नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से सही हमारा कुल्फ़ी का शेप आएगा। और सेम वे में मैं मैंगो की भी कुल्फ़ी को एकदम मोल्ड्स में पोर कर लूँगी और ग्लासेस में डाल के इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए हमारे कुल्फ़ी मोल्ड्स एकदम रेडी हैं, अब मैं इनको फ्रीज़र में 5-6 आवर्स के लिए रख दूँगी। आपके फ्रीज़र पे डिपेंड करता है, आप 7-8 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं। 6 आवर्स के बाद आप ये देखिए कुल्फ़ी एकदम अच्छे से सेट हो गई है। इसको डीमोल्ड करने के लिए एक बोल में मैंने पानी लिया है, पानी से हम इसको थोड़ा लूज़ करेंगे। फिर मैं इसके एजेस को थोड़ा नाइफ से और लूज़ कर रही हूँ और थोड़ा हाथों के बीच में इसको रब करके अच्छे से
इसको एजेस को हम लूज आउट कर देंगे और कुल्फी को डीमोल्ड कर लेंगे। हमारी कुल्फी बहुत इजीली निकल आएगी। देखिए हमारी केसर पिस्ता कुल्फी एकदम रेडी है। इसी तरह हम मैंगो कुल्फी को भी डीमोल्ड कर लेंगे। सेम पानी में थोड़ा इसको रोटेट करके इससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा। और हाथों के बीच में इसको रब करके इसके एजेस को मैं लूज़ आउट कर दूंगी, फिर हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी मलाईदार और एकदम यमी कुल्फ़ी बनी है। मैंगो कुल्फ़ी को मैंने थोड़ा सा टॉप किया है चॉप्ड मैंगो के साथ बिफोर सर्विंग, और सर्व करने से पहले मैं इनको गार्निश कर रही हूँ विथ पिस्ता एंड आलमंड शेविंग्स। सर्व विथ लॉट्स ऑफ लव। इस स्कॉचिंग हीट में आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए ये एकदम झटपट बनने वाली यमी दो टाइप की कुल्फी। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड झटपट रेसिपीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेंडिंग फूडी जूही। If you like the video, please share it with your family, like, share and subscribe. Bye-bye and take care.